अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल स्टार कुकिंग। और आज हम बनाएंगे बैंगन का भरता। तो ये देखिए, ये मैंने जो बड़े वाले जो बैंगन होते हैं तो वो एक लिया है, और ये कुछ हरी मिर्च है और लहसुन की कलियां ली है, एक टमाटर लिया है, और ये जो बैंगन है इसको मैंने अच्छे से वॉश कर लिया है। और अभी इसके बीच में इस तरीके से हम लोग कट लगाएंगे। तो देखिए, तो एकदम गहराई वाला कट लगाना है, अंदर तक के कट लग जाना चाहिए। तो देखिए, मैं भी चारों तरफ एक एक थोड़ी थोड़ी दूरी पर एक एक कट लगा लूँगी। तो ये देख सकते हो आप लोग, इस तरीके से ही कट लगाना है। और ये देखिए, ये ऐसे खुल जाना चाहिए। अगर ये नहीं खुल रहा है तो आपको और गहराई से कट लगाना है। देखिए, जो अगर नहीं खुल रहा है तो उसे दोबारा से इस तरीके से गहराई से कट लगाए। तो ये देख सकते हो आप लोग इस तरीके से। तो अभी मैं इसके अंदर ना लहसुन और हरी मिर्च इसके अंदर रख देंगे हम लोग। तो देखिए, अभी मैं इसके अंदर हरी मिर्ची और लहसुन रख देंगे। तो लहसुन की कलियां मैं अब जितनी बार इसके हर एक पार्ट के अंदर दो दो लहसुन और एक हरी मिर्च रख देंगे। हरी मिर्च आप अपने टेस्ट के हिसाब से कम ज़्यादा कर सकते हो, और अगर आप लहसुन नहीं डालना चाहते तो लहसुन को स्किप भी कर सकते हो। सिर्फ हरी मिर्ची से भी बनाओगे तो अच्छा बनता है। और देखिए, अभी ये वाले साइड में भी तो मैं ये बाकी का जो लहसुन और हरी मिर्च है इसे भी इसके अंदर फिल कर देती हूँ। और अब इसके आगे की तैयारी करेंगे। तो यहाँ पर मैंने गैस भी चालू करने रख दिया है। तो देखिए, गैस चालू कर लिया है मैंने। और अभी इसके ऊपर, तो आप लोग कभी भी ना बैंगन को डायरेक्टली गैस के ऊपर ना भूने। इससे क्या होता है कि गैस का जो छेद होते हैं ना, उसके अंदर जो इसका पानी चला जाता है, बैंगन का पानी, और इसकी वजह से गैस हमारे ख़राब हो जाते हैं। तो अभी देखिए, बैंगन के ऊपर मैं अच्छे से तेल लगा रही हूँ, ये देख सकते हो आप लोग। और अभी मैंने इसके ऊपर तेल अच्छे से लगा दिया है। और अभी इसको गैस के ऊपर इस तरीके से, कोई जाली रख दे आपके पास अगर जाली हो तो, और इस तरीके से इसको, और यही साइड पे टमाटर भी रख दूँगी ताकि ये भी अच्छे से भुन जाए इसके साथ। तो टमाटर का छिलका जो है ना वो काला हो जाना चाहिए, पूरी तरीके से जल जाना चाहिए, और इजीली वो रिमूव भी हो जाएगा, तो कोई टेंशन नहीं आएगी इसको छिलने में। तो इस तरीके से इसको पलट पलट के हम लोग चारों साइड से इसको मैं अच्छे से भून लूँगी। बैंगन पूरी तरीके से सॉफ्ट हो जाना चाहिए, वहाँ तक भून लेना है इसको। और ध्यान रखें दम आराम से, क्योंकि बहुत ज़्यादा गर्म है ये, और बैंगन जो है वो दम अच्छा वज़नदार है, तो मेरे हाथ से बार बार वो पिसल रहा है और ऑयल भी लगा हुआ है उस पर, इसीलिए। तो देख, ओ गया, तो देखा आप लोगों ने, ये बैंगन जो है साइड पे गिर गया। तो आप लोग इस तरीके का काम ना करें, आप लोग आराम से करें। और गैस की हालत देख सकते हो आप लोग, गैस कितना गंदा हुआ है। तो इसको मैं इस तरीके से फॉक से चेक करके देखूँगी। तो ये अंदर से पूरी तरीके से कुक हो चुका है, एकदम सॉफ्ट हो गया है। तभी एक चिमटे की सहायता से मैं इसे, ये देख सकते हो इस तरीके से, इसे एक प्लेट में निकाल लूँगी। टमाटर तो वो हो चुका था, मैंने टमाटर को निकाल लिया है। और अब गैस को पहले मैं क्लीन कर लेती हूँ इसे हटा कर। अभी गैस मैंने बंद कर दिया है, और गैस फटाफट क्लीन कर लेंगे। और अभी देखिए, इसका जो छिलका है इसको निकालना है, लेकिन ये अभी बहुत ज़्यादा गर्म है, ये इजीली रिमूव हो जाएगा। लेकिन इसको पहले रूम टेम्परेचर पे आने दे, पूरी तरीके से इसे ठंडा होने दे, उसके बाद इसे हम लोग छीलेंगे। और अगर इसको आप लोग डायरेक्ट पानी में डालते हो तो ये गलती ना करें कि इसको भून कर डायरेक्ट पानी में कभी ना डालें। तो ये देख सकते हो आप लोग, ये मैंने ली है आधा चम्मच के करीब पीनट्स, यानी कि सिंगदाने, इसको मैंने रोस्ट कर लिया था, और इसका छिलका इजीली रिमूव हो जाएगा रोस्ट करने के बाद। और ये मैंने एक छोटी प्याज ली है, इसको भी पतला पतला स्लाइस में कट कर लिया है मैंने उस साइड। अभी यहाँ पर मैंने एक कढ़ाई रख ली है, कढ़ाई को गर्म होने देंगे। जैसे ही कढ़ाई गर्म होगी इसके अंदर हम लोग तेल डालेंगे। तो तेल एक डेढ़ चम्मच के करीब, दो चम्मच के करीब मैं तेल ले रही हूँ। तो करीब ये एक चम्मच डाल दिया, और अब मैं डाल दूँगी दूसरा चम्मच भी। तेल को अच्छा थोड़ा गर्म होने देंगे उसके बाद ही। तो आप लोग ये ट्रिक से ज़रूर बनाइएगा बैंगन का भरता, ये खाने में बहुत अच्छा लगता है, आप लोग को बहुत पसंद आएगा। पर आप लोग एक बार ट्राई करो, मैं हमेशा से ऐसा ही बनाती हूँ, मेरे घर में सबको पसंद आता है, सब बहुत शौक से खाते हैं। आप ज्वारी बाजरे की रोटी के साथ भी इसे खा सकते हो। अभी तेल गर्म हो चुका है, और अभी मैंने इसके अंदर डाल दिया हींग। तो एक चौथाई चम्मच के करीब मैंने हींग डाल दी है इसके अंदर, और ये प्याज भी इसमें डाल देंगे। और जो प्याज है ना, इसको सिर्फ हमें लाइट ब्राउन करना है, मतलब इसका जो कच्चापन है उसको ख़त्म कर देना है, बहुत डार्क ब्राउन नहीं करनी है, एकदम लाइट ब्राउन करना है। तो इसको इस तरीके से मैं चम्मच की मदद से इसे खोल कर इसके तेल में इसको पकने देंगे, और हम
ये पक रहा है वहाँ तक के हम बैंगन को भी साफ़ कर लेंगे। तो देखिए मैंने बैंगन को साफ़ कर लिया है, ये देखिए बैंगन भी अच्छे से साफ़ हो गया है, टमाटर भी अच्छे से साफ़ हो गया है, और इसके अंदर की जो लहसुन और मिर्चा था ना, तो उसको मैंने इस तरीके से, ये देखिए ये खलबत्ता है मेरे पास, तो मैंने इसके अंदर इसको दरदरा कूट लिया है, तो ये देख सकते हो। तभी मैं ये फॉक की मदद से इसको मैश करूँगी बैंगन को। तो पहले हो सके जितना आप फॉक की मदद से इसे इस तरीके से तोड़ ले, मैश कर ले, जितना हो सकेगा उसे मैं चम्मच से पहले मैश करूँगी, और अगर ये नहीं होगा बराबर तो फिर मैं इसे खलबत्ते में डाल के कूटूँगी। तो मिक्सी वगैरह में बिल्कुल ना करें, वरना पेस्ट बन जाता है और उसका मज़ा बिल्कुल नहीं आता है। ये एकदम मैं देसी जुगाड़, इसमें ना मिक्सी चलानी है ना कुछ नहीं आपको करना है, ये आपको हाथ से ही बनाना है, और ये बहुत टेस्टी बनता है। इस तरीके से आप लोग ज़रूर बनाइएगा, आपको एकदम गाँव वाली फीलिंग आएगी और बहुत ज़्यादा टेस्टी ये बन के तैयार हो जाता है। तो देखिए अभी ये मैंने इसको दरदरा ही मैंने इसको मैश किया है, तो अभी थोड़ा सा मैं इसे खलबत्ते में डाल दूँगी, और खलबत्ते में भी बहुत ज़्यादा इसको मैश नहीं करना है, पेस्ट नहीं बनाना है, सिर्फ दरदरा में इसे, ताकि जो बड़े पीस है वो थोड़े से पीसेस उनके छोटे छोटे पीस हो जाए, वहाँ तक के मैं करूँगी। तो अभी देख सकते हो आप लोग इस तरीके से, तो ये बहुत टेस्टी बनता है, बहुत यम्मी बनता है ये बैंगन का भरता। अगर आपके यहाँ पे कोई भी बैंगन नहीं खाता है तो इस तरीके से बना कर दे, उनको बहुत पसंद आएगा। तो देख सकते हो आप लोग इस तरीके से मैंने इसको मैश कर लिया अच्छे से खलबत्ते के अंदर, और यहाँ पे देखते हैं प्याज का क्या हाल हुआ है। तो ये देख सकते हो इस तरीके से, तो प्याज भी शायद लाइट ब्राउन हो चुकी है, तो उसको देख लेते हैं। देखिए प्याज लाइट ब्राउन हो गई है, ये देखिए। तो इसके अंदर मैं डाल दूँगी आधा चम्मच के करीब अदरक लहसुन का पेस्ट, और अदरक लहसुन को भी पका लेंगे तेल में ही अच्छे से, ताकि इसका कच्चापन ख़त्म हो जाए। थोड़ा इसको भी भून लेंगे तेल के साथ अदरक लहसुन को, और अभी मैं इसके अंदर ऐड करने वाली हूँ। ये देखिए अच्छे से भून गया है, खुशबू अच्छी आ रही है इसके अंदर से। तभी मैं इसके अंदर डाल दूँगी ज़ीरा पाउडर, भुना हुआ ज़ीरा है ये, तो एक चौथाई चम्मच डाल रही हूँ, इससे भी बहुत अच्छा फ्लेवर आएगा इसके अंदर। अभी हमने इसमें कोई दूसरा मसाला नहीं ऐड किया है, सिर्फ हींग और मिर्च प्याज और ये सभी ऐड किया। अभी एक चौथाई चम्मच मैंने हल्दी ऐड कर दी है, और ये सिंपल रेसिपी है, बहुत सिंपल है। अगर आप फीके दाल चावल बना रहे हो ना, उसके साथ भी ये भरता बना लो, और दाल चावल फीके वाले एक नंबर। और देख सकते हैं अभी ये मसाला जो है रेडी है। तो अब मैं इसके अंदर ये जो मैंने मैश करके रखा था बैंगन, टमाटर, हरा मिर्चा और लहसुन, वो भी मैं इसमें ऐड कर दूँगी। और इसको डालने के बाद ना तेल में बहुत ज़्यादा नहीं पकाना है, सिर्फ 2 से 3 मिनट ही पकाएंगे, क्योंकि ये बैंगन, टमाटर, लहसुन, मिर्चा सब भुना हुआ है, सब जो हमने गैस पे भुना था उसमें भुन चुका है, तो इसमें ज़्यादा नहीं पकाना है, इसको हल्का सा ही पकाएंगे। ये देख सकते हो अभी थोड़ी देर में सब मसाले अच्छे से इसमें मैश हो जाए, मिल जाए अच्छे से, वहाँ तक ही मैं पकाऊँगी। और नमक हमेशा एंड में डालें, तभी मैं इसके अंदर आधा चम्मच के करीब नमक ऐड कर दूँगी। आप अपने टेस्ट के हिसाब से नमक कम ज़्यादा कर सकते हो। तो देखिए मैंने इसके अंदर नमक भी ऐड कर दिया है, अब इसे अच्छे से मिक्स कर लूँगी नमक के साथ, और बस 1 मिनट इसको पकाएंगे, और फिर ये हमारा बैंगन का भरता खाने के लिए रेडी है। अगर आप लोगों ने इस तरीके से कभी बनाया है तो कमेंट करके बताएं, अगर नहीं बनाया है तो भी कमेंट करके बताएं, और ये रेसिपी आप लोग ट्राई करोगे तो वो भी मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और जब हमने सिंगदानों को दरदरा कूटा था तो अब वो भी रेडी है, उनको मैंने कूट लिया है अच्छे से, और एंड में अब उसे भी डाल देंगे। तो ये देख रहे हो सिर्फ थोड़ा सा ही, इसी से ये बहुत अच्छा लगता है, और दरदरा ही कूटा हुआ ये खाने में अच्छा लगेगा। तो ये देखिए अब दानों के साथ इसे 1 मिनट और पका लेंगे, तो बस ये रेडी है। अभी मैं इसमें थोड़ा सा हरा धनिया ऐड कर दूँगी, तो देखिए हरा धनिया मैंने इसमें डाल दिया है, और हरा धनिया डालने के बाद गैस को फ़ौरन बंद कर देना है, और पूरी तरीके से हरा धनिया इसमें मिक्स कर देंगे। तो ये देख सकते हो कितना अमेजिंग लग रहा है, कितना अच्छा लग रहा है। और आपको अगर बैंगन का रायता देखना है तो कमेंट करके ज़रूर बताएं, मैं वो रेसिपी भी आपके साथ शेयर करूँगी। बैंगन का रायता बहुत अच्छा लगता है खाने में, आप चाहो तो इसमें ग्रीन प्याज यानी कि लीली प्याज भी कट करके डाल सकते हो। तो आज हम इसे प्लेट में नहीं, इसी बर्तन में इसकी डेकोरेशन करने वाले हैं। तो देखिए ऊपर से मैंने प्याज रख दिए और कुछ हरी मिर्चें, और ये लीजिए हमारा बैंगन का भरता तैयार है।
अगर आप लोगों को रेसिपी अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब कर दें। फिर मिलती हूँ अगली वीडियो में, जब तक के लिए अस्सलाम वालेकुम।